जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारतीय सेना ने अब अपने जवानों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सेना ने 550 असमी मशीन पिस्टल को अपनी नॉर्दर्न कमांड में शामिल किया है। ये पिस्तौल पूरी तरह से भारत में बनी है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम है। वहीं ये गन क्लोज कॉम्बेट के लिए जबरदस्त मानी जाती है। तो वैसे में चलिए जानते हैं स्वदेशी मशीन पिस्टल असमी को खरीदने की अनुमति क्यों दी गई है, इसकी खासियत क्या है और ये गन किन जवानों को दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने 550 स्वदेशी मशीन पिस्टल असमी को सेना में शामिल किया है, भारतीय सेना के इस कदम से डिफेंस इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस गन को कर्नल प्रसाद बंसोड ने DRDO के साथ मिलकर बनाया था। बाद में इसे हैदराबाद की लोकेश मशीन्स नाम की कंपनी बना रही है और ये पिस्टल पूरी तरह से स्वदेशी है। वहीं क्लोज कॉम्बेट में छोटे घातक और लाइटवेट वेपन्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे में असमी काफी कारगर साबित होगी। दोस्तों, असमी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। इसे बनाने में 4 महीने लगे थे। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। 9mm की मशीन पिस्टल का वेट सिर्फ 1.80 किलोग्राम है। इसके ऊपर किसी भी तरह का टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर या बीम लगाए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 14 इंच है और बट खोलने पर ये बढ़कर 24 इंच की हो जाती है। इसमें 9x19mm पैराबेलम की गोलियां लगती है। इस पिस्टल को एल्युमिनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसकी सटीक रेंज 100 मीटर है। साथ ही मैगजीन में स्टील लाइनिंग होने की वजह से गोलियां इनमें फंसेंगी नहीं। असमी मशीन पिस्टल की मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती है और ये पिस्टल 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। इसका लोडिंग स्विच दोनों तरफ है, यानी दोनों हाथों से ये पिस्टल चलाना आसान होगा। ऐसे में इसे सेना के उत्तरी कमांड के जवानों को दिया जाएगा ताकि चीन पाक सीमा पर सेना की शक्ति बढ़ सके। वहीं आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस तरह के छोटे मशीन पिस्टल की बहुत जरूरत होती है। वैसे इसे आसानी से छिपाकर भी ले जाया जा सकता है और एक पिस्टल के तौर पर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राइफल की तरह इसे कंधे पर टिकाकर फायर भी किया जा सकता है। और जैसा कि नॉर्दर्न कमांड में अर्बन एरिया में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, उसके लिए ये एक बेस्ट वेपन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।